हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 तक फ्रेंड्स हमने कॉन्वेक्स सेट्स के कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं और कॉन्वेक्स सेट क्या होता है स्टार्टिंग में पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इस लेक्चर में भी हम कुछ थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, थ्योरम जो है हमारे पास वो थ्योरम है, कंसीडर द एलपीपी। एक एलपीपी है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर सी ट्रांसपोज एक्स, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है वो है हमारे पास ए एक्स बराबर बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेट एस बी द फेजिबल रीजन ऑफ द एल पी पी। लेट एबव एल पी पी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्स स्टार कोई पॉइंट है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, देन हमें शो करना है एक्स स्टार कैन नॉट बी आ बी एन इंटीरियर पॉइंट। फिर इससे पहले जो लेक्चर में पढ़े थे हमने, उसमें भी सेम इसी तरह से थ्योरम्स पढ़ी थी। उसमें हमने प्रूव किया था कि जो पॉइंट है वो एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं हो सकता, जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो एक्सट्रीमम पॉइंट पे आएगा, ये हमने प्रूव किया था। इसमें हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास एक्स स्टार पॉइंट पे है तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, ये हम थ्योरम प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स, प्रूव कर रहे हैं, लेट एक्स स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। ये हमने रिज्यूम कर लिया कि एक्स स्टार जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हमारे पास मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर सी ट्रांसपोज एक्स स्टार होगा, और बाकी के अदर पॉइंट्स के लिए फ्रेंड्स कोई और पॉइंट्स है क्योंकि ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो बाकी अदर पॉइंट्स के लिए देयरफॉर सी ट्रांसपोज एक्स स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स फॉर ऑल x belongs to s। ये हमने, क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे उस पर या तो हमारे पास c ट्रांसपोज x की वैल्यू उसके इक्वल होगी क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। बट अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही है तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसलिए लिया है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि एक प्रॉब्लम के दो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हमने इक्वलिटी का साइन लिया है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब हमने क्या, लेट एक्स स्टार बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि जो एक्स स्टार है वो इंटीरियर ऑफ एस है, यानी कि ये कोई सेट है और एक्स स्टार यहाँ पे पॉइंट्स है, पॉइंट है। तो फ्रेंड्स एक्स स्टार यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे हम एक नेबरहुड बना सकते हैं इसके चारों तरफ, क्योंकि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, कहीं पर भी हो, यहाँ पर भी हो तो यहाँ पे भी बन जाएगा, यानी कि बाउंड्री पे पॉइंट नहीं है, ये इंटीरियर पॉइंट है, उसके अंदर का पॉइंट है। तो अंदर का पॉइंट है तो उसकी बाउंड्री से जस्ट जो जहाँ पर बाउंड्री है उसके मिनिमम से कुछ छोटा हम एक रेडियस लेंगे, वो यहाँ पर जैसे छोटा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा, जस्ट जैसे यहाँ पर बड़े पे हम शामिल करें तो एक जैसे यहाँ तक की इसकी रेडियस है, इससे हम छोटा एक पॉइंट लेंगे और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देंगे, यानी कि हम उसको उस पॉइंट को एक सर्कल के अंदर ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक उस पॉइंट के लिए हम एक सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, तो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एक्स वार बराबर एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू सी अपॉन नॉर्म ऑफ सी। अब फ्रेंड्स ये हमने कैसे क्यों अज्यूम किया, क्योंकि जहाँ पे डेल क्या है, पहले हमारे पास डेल क्या है,
डेल की कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ रीजंस होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स बार माइनस एक्स स्टार बराबर, हम देखें तो ये हो गया डेल बाय टू डॉट सी डॉट सी, ये हो गया क्योंकि एक्स स्टार प्लस डेल बाय टू डॉट सी में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास डेल बाय टू और ये सी मोड ऑफ सी, तो ये हो गया डेल बाय टू लेस देन इक्वल टू टू। यानी कि हमारे पास एक इस तरह से पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं हम, इसका मतलब है क्योंकि जो हमारे पास इसका जो डिफरेंस है, इनके जो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल बाय टू, जो कि डेल से जो कि इस लंबाई से छोटा है, हमने छोटा एक एज्यूम कर लिया फ्रेंड्स। ये हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये अगर एक डेल हमारे पास मिल जाता है क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है तो उसके लिए हमारे पास एक डेल एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक हम नेबरहुड बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक दूसरा पॉइंट माना है इस तरह से, और ये पॉइंट वैलिड है ये शो करने के लिए हमने क्या किया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक्स पर और स्टार के बीच की डिफरेंस जो है वो डेल से कम है, तो ये नेबरहुड का ही पॉइंट है। सो एक्स बिलोंग एक्स पर बिलोंग्स टू नेबरहुड सम नेबरहुड ऑफ एक्स एक्स स्टार, एक्स स्टार के नेबरहुड में एक्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, इम्प्लाई एक्स पर इज आल्सो इन एस, क्योंकि उसके हम नेबरहुड में जो कि इसके अंदर है उसी के अंदर हम नेबरहुड बना रहे हैं और उसी के अंदर हम एक्स बार को शो कर रहे हैं, तो ये एक्स बार जो होगा एस का पॉइंट भी होगा। नाउ अब फिर सी ट्रांसपोज एक्स बार पे देखते हैं, सी ट्रांसपोज एक्स बार क्या है, तो सी ट्रांसपोज एक्स बार क्या था हमारे पास एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू सी अपॉन नॉर्म ऑफ सी, ये हो गया, तो ये हो गया सी ट्रांसपोज, सो सी ट्रांसपोज एक्स स्टार प्लस ये हो गया सी ट्रांसपोज सी अपॉन नॉर्म ऑफ सी। तो फ्रेंड्स और साथ में डेल बाई टू ये है, सी ट्रांसपोज सी क्या हो जाता है हमारे पास मोड ऑफ सी हो जाता है, तो यहाँ से सी ट्रांसपोज सी से मोड ऑफ सी से ये कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास सी ट्रांसपोज एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है हमारे पास सी ट्रांसपोज एक्स बार जो वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास सी ट्रांसपोज डेल सी ट्रांसपोज एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू, यानी जो सी ट्रांसपोज एक्स स्टार जिसको हम मैक्सिमम लेके चल रहे थे उससे कुछ बड़ी वैल्यू हमारे पास सी ट्रांसपोज एक्स बार पे आ चुकी है। चूँकि सी ट्रांसपोज एक्स बार बराबर सी ट्रांसपोज एक्स स्टार प्लस डेल बाई टू, तो यहाँ से ये हो गया सी ट्रांसपोज एक्स बार लेस देन इक्वल टू लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि ये कुछ पॉजिटिव नंबर है तो सी ट्रांसपोज एक्स स्टार ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया फ्रेंड्स। ये हो गया अब हमारे पास कि जो सी ट्रांसपोज एक्स बार है वो ज़रूरी नहीं है कि सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से सी ट्रांसपोज एक्स बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स स्टार, क्योंकि ये इसे इक्वल टू कब आ रहा है जब डेल बाई टू यानी कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये आ गया सी ट्रांसपोज एक्स बार ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी ट्रांसपोज एक्स स्टार, बट एक्स स्टार सी ट्रांसपोज एक्स स्टार को हमने ऑप्टिमल माना था जो कि इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम कह सकते हैं सो एक्स स्टार कैन नॉट बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, थैंक यू फ्रेंड्स, ये इसका हमारे पास प्रूव हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं डाउट हो इसमें हमारे पास तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, वो है 9460689761 एंड मेरी मेल आई डी है वो है HITESHMEEMEEA00155@gmail.com, और साथ ही अगर आप कमेंट बॉक्स में भी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।